हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो गूगल शीट की है और हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी हमें सेलिंग निकालनी हो कि कुल मिलाकर के उसी प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग हुई, तो ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट नेम का एक कॉलम बनाया है, फिर यहाँ पर प्राइस का कॉलम बनाया है, फिर यूनिट है और फिर टोटल है। तो गूगल शीट में देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपने एक्सेल में भी सीखा होगा सम इफ का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लगाइए सम इफ, ठीक है, ब्रैकेट को कर दीजिए ओपन, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये प्रोडक्ट वाला कॉलम जहां से प्रोडक्ट का नाम स्टार्ट होता है और जहां पर प्रोडक्ट का नाम खत्म होता है पूरा वो सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा हिस्सा, कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अगर कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में जानना है तो ये कीबोर्ड कर दीजिए, कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा दे दीजिए। अब मान लीजिए कि कीबोर्ड की टोटल यूनिट कितनी है वो आपको पता करनी है, तो यूनिट वाला पूरा सेलेक्ट कर जाइए हिस्सा, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया, बंद कर दीजिए इसको और अब एंटर प्रेस कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां से प्रेस करता हूं एंटर, तो ये बता रहा है कि कुल मिलाकर के 31 कीबोर्ड अवेलेबल है। चलिए ये देखते हैं 31 है या नहीं, तो यहां पर 9, 15, 25, 26, 27, 27, 4, 31 नीचे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यानी कुल मिलाकर के 31 कीबोर्ड अवेलेबल है, सही है। फिर यहाँ पर समीप का फॉर्मूला लगाते हैं और कुछ और भी चीजों को देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे समीप लगाया और यहाँ पर ये प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट कर लिया ये कॉलम पूरा, और फिर यहाँ पर कॉमा देंगे। अब मान लीजिए हमें इस बार माउस का देखना है, तो यहाँ पे माउस को सेलेक्ट किया और फिर यहां से माउस की यूनिट को पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये कॉलम जो है पूरा यूनिट वाला उसको सेलेक्ट कर लीजिए और बंद कर दीजिए ब्रैकेट को। ध्यान रहे कि लास्ट तक सेलेक्ट कीजिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए, एक भी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के 24 माउस, काउंट करते हैं यहाँ पे 7, 15, 20 और ये 24, तो कुल मिलाकर के 24 माउस हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं फिर से समीप की। अब मान लीजिए हमको ये पता करना है कि माउस कितने का बिका कुल मिलाकर के, तो कैसे पता करेंगे, तो फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, कॉमा दीजिए, किसका पता करना है, माउस का पता करना है ना, तो माउस को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए और फिर ये टोटल सेलेक्ट कर जाइए, ये जो टोटल है ना ये पूरा सेलेक्ट कर जाइए, आप यहां तक सेलेक्ट कर लिया, आप इसको बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए कुल मिला के 2880 रुपए का माउस जो है यहाँ पे आ रहा है, तो देखते हैं 2880 रुपए का है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ काउंट करके आपको जोड़ के दिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए ये माउस वाला कॉलम है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाला, ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे, कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे 840 रुपए ले लेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे आते हैं नीचे, नीचे यहाँ पे माउस है, तो यहाँ पे 960 रुपए है, तो 960 रुपए लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर नीचे आते हैं 960 के बाद फिर माउस कहाँ पे है, यहाँ पे है, 600 का माउस है, तो 600 यहाँ पे लिख देंगे और फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ नीचे आते हैं और अब 480 रुपए है, तो यहाँ 480 रुपए लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2880 रुपए आपके सामने आ चुका है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अगर आपको यूनिट पता करना है तो यूनिट भी पता कर सकते हैं और प्राइस जो भी पता करना हो आसानी के साथ पता कर सकते हैं पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।